बेमौसम बारिश से दिल्ली एनसीआर की रफ्तार कैसे धीमी हो रही है, एक एक तस्वीर टीवी 9 भारत वर्ष आपको दिखा रहा है। देश के 17 राज्यों के लिए अगले 3 दिन क्यों भारी हैं? कहां कहां पर बारिश से हादसे हुए हैं? उत्तर प्रदेश में बारिश और बाढ़ से अब तक कितनों की जान चली गई? मैदान से लेकर पहाड़ तक कहां कहां कुदरत का कहर बरप रहा है? बेमौसम बारिश और मौसम की बेरुखी से जुड़ी बड़ी खबरों का अपडेट देखिए रेन नॉन स्टॉप टॉप 9 में। देश के 17 राज्यों खासकर उत्तर भारत में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ ही दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश का दौर बना रह सकता है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही मानसून के बाद ये बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट आई है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बीते 3 दिनों से न तो सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं, न ही बूंदों का सितम रुक रहा है। शनिवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला रविवार को भी दिल्ली एनसीआर में जारी रहा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में लोगों को रविवार को भी जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या से रूबरू होना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी मौसम भीगा भीगा बना रह सकता है। आसमानी आफत के बीच दिल्ली की सड़कें दरिया बन चुकी हैं। आईटीओ, मिंटो रोड, प्रगति मैदान से लेकर मेहरौली तक जलभराव का सितम है। सड़कों पर पानी का पहरा है। सड़कों पर पानी इस तरह भरा है जैसे वाहन किसी तालाब के बीच से गुजर रहे हों। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर वाटर लॉकिंग हुई है और जल भराव की वजह से जो ट्रैफिक है वो काफ़ी स्लो चल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान था कि पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है तो अगले 2-3 दिन भी लगातार बारिश होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर बारिश से हादसे हुए हैं। यहाँ के लाहौरी गेट इलाके के फराशखाना में अचानक एक बिल्डिंग गिर गई जिसमें 8 साल की बच्ची की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी दर्दनाक हादसा हुआ। यहां के सेक्टर 111 में तालाब में नहाने के दौरान 6 बच्चों की मौत हो गई। अंधेरा होने और लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी खासी रुकावट आई। बेमौसम बारिश पंजाब के मोहाली और हरियाणा के फरीदाबाद में आफत बनकर आई। बारिश के चलते मोहाली के सेक्टर 82 में निर्माणाधीन बिल्डिंग के साथ मौजूद एक मिट्टी का ढाल गिर गया जिसकी चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं फरीदाबाद में जलभराव की वजह से एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। आरोप है कि 45 साल के उपेंद्र तिवारी नगर निगम की लापरवाही के शिकार हो गए। शनिवार रात दफ्तर से निकले उपेंद्र घर नहीं पहुंचे। रविवार को फरीदाबाद के सेक्टर 21 में उनका शव पानी में तैरता मिला। यूपी में बीते 3-4 दिनों से हो रही बारिश ने कहर बरपा दिया है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। भारी बारिश को देखते हुए यूपी सरकार ने एहतियातन कई जिलों में आज स्कूल बंद कर दिए हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, लखीमपुर, पीलीभीत में आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यूपी में भारी बारिश और जल भराव से 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बुलंदशहर में बारिश के बीच पलक झपकते 2 मंजिला घर धराशायी हो गया। यूपी में लगातार बारिश के बाद डूबी सड़कों का ये हाल देख लीजिए। अलीगढ़ में हर तरफ पानी ही पानी है। ऐसा कोई इलाका नहीं है जो वाटर लॉगिंग के चपेट में ना हो। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के वार्ड पानी से लबालब भरे हुए हैं। हालात ये हैं कि मरीजों का इलाज करने वाला अस्पताल खुद बीमार हो चुका है। दूसरी तरफ बलरामपुर में राप्ती नदी कहर बरपा रही है। नदी का पानी शहर की सड़कों पर है, गलियों में कमर की ऊंचाई तक पानी भरा है। बाढ़ के चलते कई गाँवों का हाल भी बेहाल है। उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। हल्द्वानी में सूर्या देवी नाले पर बना पुल भी सैलाब में डूबा हुआ है। यहां एक मोटरसाइकिल सवार नाले को पार करने में बह गया। गनीमत रही कि वक्त रहते स्थानीय लोगों ने बचा लिया। बारिश के बीच लैंडस्लाइड से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। चंपावत में बारिश के बाद पूरा पहाड़ भरभराकर नीचे गिराया। चमोली जिले में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश जारी है। तापमान तेजी से गिरने के बाद बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और केदारनाथ की चोटियों पर बर्फबारी जारी है। आधे राजस्थान पर आसमानी आफत का दौर जारी है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, दौसा, अलवर और जयपुर में भी भारी बारिश देखने को मिली। 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में कई इलाके पानी में डूब गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस, एसएसपी ऑफिस और दूसरे सरकारी दफ्तरों में भी पानी घुस चुका है। सवाई माधोपुर जिले में भी सैलाब का असर दिख रहा है। बेमौसम बारिश से रणथंभौर के नाले झरने रौद्र रूप दिखा रहे हैं। सड़कें भी पानी में डूबी हैं। सीकर में भी भारी बारिश के बाद जलभराव की समस्या है।
अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।